और दोस्तों एक और ब्लॉग में हाजिर हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। यहीं पे ये नया मकान बनवाया था तो उसी में बैठा हुआ हूँ। अंदर रूम में ये बैठक रूम बनाया हुआ है दोस्तों। देखिए ये सामने मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है बैठक की, और ये बराबर में यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अंडर से मतलब एंट्री है अंदर की, मकान के अंदर की। जो भी भाई लोग हमारे बाहर से आने वाले मिलने वाले हैं वो इस गेट से एंट्री करेंगे, यहाँ उठेंगे बैठेंगे, इधर से उनका आने का नाश्ता पानी का जुगाड़ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारे बब्बा अभी घूमने के लिए आए हुए हैं, तो देखिए कैसे घूम रहे हैं इधर से उधर, और थोड़ी बहुत देर में जाएंगे। बोल रहे हैं कि अब घर पे सतवा खाने के लिए। देखिए दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं? सतवा खाया जाएगी? अच्छा, जा रही है, आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जा रहे हैं। का सतवा खान जा रहे? का सतवा खान जा रहे? खाया आवा जल्दी। दोस्तों बोल रहे थे बब्बा कि अभी पड़िया खा रही है इसलिए नहीं जाएंगे, जब तक वो खाने लेगी और उसको बांध नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। मैंने बोला अभी कि मैं बांधूंगा, आप खा के आ जाइए, मगर नहीं बोल रहे हैं कि मैं बांध के जाऊंगा। हमने ठीक है जी, आपकी मर्जी। तो दोस्तों 5 मिनट के बाद में चलते हैं, देखते हैं कि पड़िया को बांध के गए हैं या नहीं गए हैं, कि अभी भी बैठे हुए हैं। बड़े बूढ़े हैं, हमको ज़रा थोड़ा इनका ख्याल रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नहीं है, खट खट चार पाई पे तो नहीं है। अब देखते हैं, पड़िया बंधी हुई है, ये देखिए दोस्तों सामने ये बैठी हुई है पड़िया बांध के यहाँ पर। अब निकल गए हैं, नान देखते हैं पड़िया ने चारा साफ किया या नहीं किया, खाया। इसी पे बंधी हुई थी दोस्तों, ये इसकी नांद है सामने, नांद साफ कर दी है बिल्कुल एकदम। चलिए अब यहाँ पे बांध के अब निकल गए हैं ये, अब चलते हैं दोस्तों। अब आगे का आपको कुछ दिखाते हैं, आपको मैं बिल्ली के बच्चे दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे घेर में कबाड़ फैला हुआ है हमारे, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ऊपर किस तरफ ये बिल्ली का बच्चा, देखिए दोस्तों ये सामने ऊपर देखिए, ये देखो घूम रहे हैं, ये बिल्ली के बच्चे हैं छोटे छोटे। देखिए दोस्तों यहीं पे ये कबाड़ में रहते हैं। देखो ये बैठा हुआ है, एक भाग गया। ये देखो कैसे देख रहा है, देखिए दोस्तों भाग गया अंदर। ये यहाँ पे दोस्तों कबाड़ रखा हुआ है, लक्कड़ वगैरह रखी हुई है, बेस्ट मतलब लकड़ी सूखी हुई, और इसी में नीचे इसके बिल्ली ने बच्चा दिया है। ये देखिए दोस्तों हमारे टेम्पो की क्या हालत हो रखी है, देखिए यहाँ पे खड़े खड़े पूरा अंदर से कितना मिट्टी मिट्टी हो रखा है। देखिए दोस्तों सीट पे, इधर देखिए दोस्तों कितना गंदा हो रखा है अंदर का, पूरा साफ ही नहीं करते हैं, खड़ा रहता है, चलता है नहीं दोस्तों। ये देखो निकल निकल के आए, अब बिल्ली भी है दोस्तों, इन बच्चों की माँ भी है, देखो ये खेल रही है। ये देखो कितने मन से खेल रहे हैं, देखिए दोस्तों देखिए, एक नीचे बैठा हुआ है, एक ऊपर खड़ा हुआ है, दो बच्चे हैं, दोनों कितने आराम से खेल रहे हैं। देखिए एक इधर बैठा है, एक उधर, दो दोनों भाग गए। ये देखो बब्बा सतुआ खा के वापस आइए। सतुआ खाया है? अच्छा, हमारे वीडियो देख रही है, हमारी वीडियो देख रही है। मूंगफली के सबक भरी जा रही है, अपनी ना भरी जा रही है, बस के सबक भरने के बाद फिर अपने हम जाए पानी पाइप पसंद पर है ना। कौन सी बगार की जा बगार की ककरिया वाली भरी है, जे ना बंदक हो गए जे अपन में सर्दी है बहुत, बे भरी है हाँ और का पाइप पसरे हैं जहाँ बारी ठिंगारा देते लेकिन उनकी उधर भी रखवा लो। 500 मीटर लमसम आए, 500-600 मीटर जो है उसको पाइप पसरे। तो बागल पानी नहीं मिल रहा,
ना मिल पाए रहो, गांव में लोग वाक पानी नहीं देते अपने वो लियान भरे है बाव में टंकी टंकी रख देगा सामान सब खुल जाए निकाल ये रहा दर्द नहीं कहा टंकी गांव में सूख गए हैं। अरे गांव में सूख रही है टंकी भी मेरे को सामान से सामान ना कौन का हुई है सामान बाबा ने तो दोस्तों बब्बा से बातचीत करने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ सीधा बाइक की चाबी लेने के लिए। बाइक की चाबी लेके फिर जाऊँगा दोस्तों नवाबगंज में। मैडम आ रही हैं उनको लेने के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, आगे का आनंद लीजिए दोस्त। ये देखिए दोस्तों सामने जो टावर सा बना हुआ है, ये मशीन लगी हुई है गांव-गांव में जो पानी की टंकी लग रही है दोस्तों, उसकी बोरिंग यहाँ पे काफ़ी दिन पहले हुई थी, ये दोबारा फिर मशीन यहाँ पे लगी हुई है आके। पता नहीं बोरिंग में कोई कमी आई है या नहीं, अब ये तो नॉलेज नहीं है। मैं छत पे बैठ के यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये मशीन दोबारा मेरे को दिखी इसमें लगी हुई, और ये मैं छत पे बैठा हूँ यहाँ से लगभग काफ़ी दूर है। देखिए दोस्तों मैंने ये जूम करके लिया था, अब ये सीन जो है ना बिना जूम के है, इतनी दूर पर है। देखिए दोस्तों अब ये जूम करके मैं ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों अब मैं घर पे जा रहा हूँ और देखते हैं कि ये घर पे क्या हो रहा है। ये गेट के अंदर घुस गया, सीधा पहुँच गया। ये देखिए भतीजा हमारा क्या बोल रहा है, सुनिए जरा आप इसकी बातचीत सुनिए भाई लोगों। क्या कह रहे हैं? कौन कर रहे हो मैं देखो जो नाक पकड़ ली कर दी। ये भाई लोग यहाँ पे चाय बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तो भाई इस बच्चे से पानी मंगा रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों उसमें दूध डाल रखा है और दूध खोल रहा है, मगर चाय बनाने के लिए वो वहाँ से पानी लेके नहीं आ रहा है जो उसमें मैं पानी डाल दूँ। बार बार मेरे को गैस बंद करनी पड़ रही है। देखो वो नल पे खड़ा है मगर इतना हरामी है, पानी लेने के लिए 10 मिनट लगा दिए इसने, अब लेके आ रहा है। कृष्णा है आज्ञाकारी लड़को, और वो है हला हरामी। कृष्णा आज्ञाकारी लड़को है, कृष्णा है आज्ञाकारी लड़को, और वो है हला हरामी। कृष्णा के बचपन में मार बहुत पड़ी वास्तव में। बहुत मार पड़ी है, रिकॉर्ड तोड़ मार पड़ी है, और जाएगी छोटे वाले के चक्कर में बाकी पड़ी आती है। जो छोटे चक्कर में बचिया तो जा पतना आई थी। अब बाकी मारो बंद हुई है, अब जाएगी चक्कर में ये, क्यों बाकी बहुत परी है, अब इनका नंबर लग गया है, क्यों सैतानी जे मचाओते हैं। अब वीडियो बना रहा है, वीडियो बन रही है तुम्हारी। कितनी बनी? आज तुम्हारी वीडियो तुम्हारे दिखाए हैं जरूर, हम आज चाय मन करी हो बनाए लही है आज ना है, पैसे आए है आज हमारे मन की चाय बन रही है। तो दूध है दूध की चाय, वो भी अते जहाँ नौकरी करते चाय वाली हती एक लेडी बनाओ करती, जबकि इतनी अच्छी चाय बनाती बहुत बाकी खेल कर देते।
अब जब अम्बा को दूध बाबा डालो करते तो दो कप को दूध डाल लेते और अपन एक कप रही आते जरा जराओ उतनी बढ़िया तुम करो ना पी पाओ जितनी बढ़िया बाकी पी लेते बनाएंगे। तो दोस्तों बातचीत करते करते देखिए ये चाय बन के तैयार हो गई है। दोस्तों पी के देखा हुआ मजा आई है ये सुंदर चाय बनी एकदम। जाको मुँह कैसी लाल है मुँह देखो ले, ले। शाम हो चुकी है अब आराम से बिस्तर लगा हुआ है सोएंगे खाना पीना हो गया है अब कल मिलते हैं और इसी के साथ दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।